हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा Moto G64 फ़ोन है, तो Moto G64 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर फ़ोन को आप कैसे फैक्ट्री रीसेट कैसे कर सकते हैं और फ़ोन को कैसे फैक्ट्री रीसेट आप कर पाएंगे Moto G64 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आज हम बताने वाले हैं कि फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट कैसे कर सकते हैं और फ़ोन को कैसे फैक्ट्री रीसेट आप कर पाएंगे Moto G64 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आज हम बताने वाले हैं कि फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट कैसे कर सकते हैं और कैसे फैक्ट्री रीसेट कर पाएंगे फ़ोन को, तो आज हम बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आपसे आइकन शो हो रहे हैं तो आपको स्वाइप करना है, स्वाइप करते ही वाला आइकन ओपन हो जाएंगे। इसमें से आपको सेटिंग्स पे जाना है, क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स पे जाना और कैसे फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट आप कर पाएंगे। सिंपली दिखते हैं, सिस्टम सेटिंग्स पे जाना है, फिर आपको रीसेट ऑप्शन पे जाना है, जहाँ से जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करके फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। सिंपली इस पर क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करके आप यहाँ से पासवर्ड डाल देंगे और इस पर क्लिक कर देंगे तो इस पर क्लिक करके फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट आप कर सकते हैं। इस पर क्लिक करते ही तो फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट आप कैसे कर सकते हैं, तो कैसे फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, तो आज हम बताने वाले हैं कि फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट कैसे कर पाएंगे। तो आज हम बताने वाले हैं कि फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट कैसे करेंगे, तो इस तरीके से आप कर पाएंगे और इसमें फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं इस ऑप्शन पे जाकर। नहीं तो आप नेटवर्क सेटिंग्स पे जा सकते हैं, नहीं तो आप अपने फ़ोन में परफॉर्मेंस सेटिंग्स का भी यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।